नमस्कार दोस्तों, मैं मधुसूदन गौर, सीनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज हम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि हीट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी और हीट जो फ्लो होगा उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। जहां तक डायरेक्शन का प्रश्न है, हम ये जानते हैं कि हीट फ्लो के लिए जो पहली कंडीशन है वो है टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो होगी और जो क्वांटिटी ऑफ हीट है वो हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर और जो हीट फ्लो का पाथ है उसके रेजिस्टेंस, इस पर डिपेंड करेगी। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है। पहला मोड जो हीट ट्रांसफर का है वो कंडक्शन है। कंडक्शन है वो विद इन ए मीडियम, एक मीडियम के अंदर या डिफरेंट मीडियम हो तो उनका डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट होना चाहिए, तभी ये कंडक्शन है, उसके द्वारा हीट ट्रांसफर होती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मेटल रोड का, जिसके एक एंड को हम हीट सोर्स से गर्म करते हैं। थोड़ी देर बाद हम ये महसूस करते हैं कि उसके दूसरे एंड पे भी टेम्परेचर बढ़ने लग गया है, हीट हमें महसूस होने लग जाती है। इस मेटल रोड की जगह अगर हम वुडन स्टिक लें तो उसके एक एंड को गर्म करने पे हमें दूसरे एंड पे हीट महसूस नहीं होता, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। दोनों ही सॉलिड हैं लेकिन दोनों अलग अलग का बिहेवियर करते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हीट कंडक्ट होती है उसका रीजन क्या है। फ्लूड्स में जिसके में ही लिक्विड और गैस दोनों इंक्लूड होते हैं, हीट कंडक्ट का रीजन होता है इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जबकि सॉलिड्स में जो हीट कंडक्ट होती है उसका रीजन है लॉन्गिट्यूडनल ऑक्सीलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स या वाइब्रेशनल एनर्जी इन रिलेटिव स्ट्रक्चर, दोनों एक ही बात है। और दूसरा रीजन होता है मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो हम ये देखते हैं कि जो मेटल होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो मेटल है उसमें हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस होता है, क्योंकि जो हीट है उसको कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण हमारे को मेटल में टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस होता है, जबकि वुडन स्टिक है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है उसमें ये हमें महसूस नहीं होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जो हीट कंडक्ट होती है उसकी क्वांटिटी है हमें फोरियर लॉ से पता लगती है। अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ द रेट ऑफ हीट फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ फ्लो ए। यहां पर हम एक ये लेयर जो यहां पर दिखाई गई है, लेयर में जो टेम्परेचर है वो T1 T2 और इसकी जो थिकनेस है वो X12 है। इसकी x डिस्टेंस पे जो dx थिकनेस है उसके लिए जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो dT है। तो हीट फ्लो की जो रेट है, मैं रेट यहाँ पे कह रहा हूँ तो यहाँ पे टाइम इसमें इंक्लूड हो गया, जूल पर सेकेंड जो वाट हो जाएगी, तो हीट फ्लो की रेट है वो dT के प्रोपोर्शनल होती है, जो एरिया है इसके प्रोपोर्शनल होती है और जो dx है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जो प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो q इज इक्वल टू माइनस के ए dT बाई dx। यहां पे जो माइनस है उसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि q नेगेटिव है, dT है वो हमेशा एंड टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होता है और एंड टेम्परेचर हमेशा इनिशियल टेम्परेचर से कम होता है, इस कारण dT नेगेटिव होता है। इसको अगर हम इस तरह से लिखें q इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई एक्स वन टू, तो ये q है वो पॉजिटिव हमको यहाँ पे दिखाई देता है। k है वो थर्मल कंडक्टिव ऑफ द मेटेरियल है, ये अलग अलग मेटेरियल के लिए अलग अलग होती है। यूनिट्स ऑफ k है वो वाट पर मीटर केल्विन,
यहाँ पे इसकी मीटर स्क्वायर है, इसकी मीटर है और इसकी केल्विन है, ये होती है। दूसरा मोड है हीट ट्रांसफर का, वो कन्वेक्शन है। हीट ट्रांसफर बाय द सर्कुलेशन और मिक्सिंग ऑफ ए फ्लूइड मीडियम। इसमें और कंडक्शन में एक बहुत बड़ा अंतर रहता है। कंडक्शन में जहां मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह स्थिर रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं, लेकिन उनका मूवमेंट नहीं होता। जो कन्वेक्शन होता है उसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, सर्कुलेशन होता है, मिक्सिंग होती है, जिसके कारण की हीट कंडक्ट होती है, कन्वेक्ट होती है। एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि जो घर पे हम कोई बर्तन में पानी गर्म करते हैं, तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है लिक्विड की या पानी की, जो कि फिजिकल कांटेक्ट में रहती है बर्तन के, वहां पे बर्तन से उस लेयर में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन के द्वारा होती है, और उसके बाद जो रिमेनिंग फ्लूइड है उसमें जो हीट है वो ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन के द्वारा होती है। जो जो उसका फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होने के कारण फ्लूइड है वो हल्का हो जाता है और ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। ऊपर का जो फ्लूइड होता है या पानी है उसका टेम्परेचर है वो कम होता है और डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इस तरह से एक मूवमेंट होता है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, उसके कारण पूरे फ्लूइड का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। क्वांटिटी ऑफ हीट न्यूटन्स लॉ के अनुसार, यहाँ पे एक ही सॉलिड है जिसकी टेम्परेचर टी डब्ल्यू है और जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर मान लिया टी एस है, मेन फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर टी एस है। यहां से जो जो ये बाउंड्री लेयर के अंदर आना शुरू होता है फ्लूइड, तो इसका टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर प्रोफाइल के साथ साथ टी एस से टी डब्ल्यू हो जाता है। तो इसके द्वारा जो हीट कन्वेक्ट होती है सॉलिड से, अगर टी डब्ल्यू का को हम ज्यादा माने टेम्परेचर को, तो सॉलिड से जो फ्लूइड में होने वाली हीट कन्वेक्शन है वो एरिया के प्रोपोर्शनल और सॉलिड और फ्लूइड के टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो ये एच से रिमूव होता है और एच यहाँ पे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट है। इसकी जो यूनिट्स है वो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर है वो रेडिएशन है। ऑल बॉडीज अबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एमिट्स रेडिएशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सभी बॉडीज जिनका कि टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा होता है वो हीट एमिट करते हैं, रेडिएट करते हैं एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में करते हैं। अगर दो बॉडीज हैं जिनका टेम्परेचर टी वन और टी टू है, अलग अलग टेम्परेचर पे है, और दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है, एक टाइम ऐसा आता है मान लिया और कि उनका टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाता है और उनमें रेडिएशन के अलावा किसी भी तरह की दूसरी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हीट रेडिएट नहीं कर रहे हैं, वो दोनों टेम्परेचर बराबर होने के बाद भी उसमें हीट एक्सचेंज होता है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहने का मतलब ये रहता है कि जितनी हीट वो रेडिएट कर रहे हैं उतनी हीट वो एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएट, इसके लिए हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल एमिशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट पर एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होते हैं, एरिया को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हीट इधर आ जाएगी। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए टी फोर, प्रोपोर्शनलिटी का चाइन वो साइन हटाने पे हमारे को ये सिग्मा मिल जाएगा। सिग्मा यहाँ पे है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसकी जो यूनिट्स है वो वाट पर मीटर स्क्वायर, एरिया से मीटर स्क्वायर आ जाएगा और टी फोर का केल्विन फोर आ जाएगा।
तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन इसके इंट्रोडक्शन थे। आशा करता हूं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर जो टॉपिक था उसको समझने में ये आपके काम आएंगे। धन्यवाद।